वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जीओ नाम रता सतगुरु है कल युग बोहित हो गुरमुख होवे सो पार पवे जिन्ना अंदर सच्चा सो आखा जीवा विसरे मर जाओ आखण औखा सच्चा नाओ सच्ची नाम की लागे भूख उत भूख खाए चलिए है दुख कृपा करहु दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचार हो कोई मट्टी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सके मेहमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहु तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहु तुम कथा सुधारी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी अते निवाजी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा गुरसंगत जीओ। आपां सरबत गुरु कीआं संगतां सतगुरु साहिब जी दे पावन हजूर अमृत वेले दीवाना दे अंदर हाजरियां भर करके सतगुरु साहिब जी दी पावन गुरबाणी नूं सुनण पढ़न विचारण दा जतन कर रहे हां। साडे गुरसिखां दे उपर सतगुरु साहिब जी दी बड़ी महान किरपा हर रोज़ हुंदी है। जो अपनी प्यारी निगी गोद दे अंदर बैठा करके एक माँ दे वांग सानू जिहड़ियां सिखियावां हन उन्हां दी दात बख्शदे हन, क्योंकि साडा जिहड़ा जीवन है वह मानो कि एक कोरे कागज दे वांग हुंदा है। जिवें असीं उस दे उपर कोई अखर उकर दिने आ उसे तरह दा साडा जिहड़ा जीवन है वह बन जांदा है। उस जीवन दी सफलता दे लई सब तो यह जरूरी है कि साडे जीवन दे अंदर गुरु दा जिहड़ा ज्ञान है, गुरु दे ज्ञान दी जिहड़ी सोझी है वह सानू जरूर प्राप्त हो जावे। क्योंकि भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी ने अपनी रचना दे अंदर ये बचन अंकित किते हन कि पूछत पथक तेह मार्ग न धारै पग, प्रीतम कै देश कैसे बतन से जाइए। कि कोई मनुख भावें किसी बस अड्डे ते खड़ा होया किन्नी वार ही ये गल पुछी जावे कि ये रस्ता किधर नू जांदा है, पर उसका जिहड़ा पुछना है वो काफ़ी नहीं है। जिन्ना चिर उस रस्ते दे उपर चलता नहीं प्रीतम कै देश कैसे बतन के जाइए। कि सिर्फ पुछण दे नाल जिहड़ी साडी मंजिल है जिस जगह असी पहुँचना है उत्थे असी पहुँच नहीं सकते जिन्ना चिर असी रस्ते दे उपर चलते नहीं। दूसरी उदाहरण भाई गुरदास साहिब जी दिंदे हन कि पूछत है बैद खात औखत न संजम सै, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। कि कोई बीमारी आ पई दवाई भी लैंदा है परहेज नहीं करता, तो उस दे नाल परहेज ना करन दे नाल दवाई नू ना खान दे नाल जिहड़ा रोग है वह ठीक नहीं हो सकता। भावें कोई वैद किन्ना ही चंगा होवे। तीसरी उदाहरण ये दिंदे हन कि पूछत सुहागन कर्म है दुहागन कै। कि एक औरत अपने नाल दियां सखियां सहेलियां नू पुछदी है कि जिहड़ा पति परमेश्वर है उस दी सेवा किवें करनी है, आग्या दे विच किवें रहना है, सुहागवती होण दियां जिहड़ियां सिक्खियावां ने उन्हां नू सुणदी है। पर भाई साहब जी आखदे ने कर्म है दुहागन कै,
उस दी तां सुहागवती होण दीआं गल्लां वा, पर आप दे जिहड़े कर्म ने उह दुहागणा वाले आ। हृदय बिबचार कत सहजा बुलाई है कि जे औरत दे हिरदे दे अंदर बिबचार करन दी भावना होवे, इच्छा होवे, ते उह अपने पति दी सेजा दा जिहड़ा सुख है उस नूं माण नहीं सकदी। तीन उदाहरणा तो बाद भाई गुरदास साहिब जी लिखते हैं, गाए सुने आंखे मिचे पाइए ना परम पद, कि सिर्फ बाहरी तौर ते गाउण दे नाल सुनण दे नाल और अखां मीट करके पखंड करण दे नाल पाइए ना परम पद। जिहड़ी वड्डी पदवी है वाहिगुरु दे सरूप दा जिहड़ा दर्शन है उह पाया नहीं जा सकदा। गुर उपदेश गह जौलो ना कमाईऐ, कि जिन्ना चिर असीं गुरु दा जिहड़ा उपदेश नूं सुण करके उस नूं गह दा भाव हुंदा कि ग्रहण करना, अपने हिरदे दे अंदर उपदेश दी पकड़ बना लैणी, ऐसा जिहड़ा गुरसिख करता है उही गुरु उपदेश दा अधिकारी हो करके जिहड़ा असली अंदर दा सुख है उस नूं प्राप्त कर लैंदा है। क्योंकि आपां इह गल्लां नूं कई वार विचारदे हाँ कि सिख असल दे विच उह है जिहड़ा चिंतावां फिकर मन दियां जिहड़ियां चितवनियां छड करके बस गुरु दे उपर भरोसा रखे कि जो गुरु कर रहा है, जो परमेशर कर रहा है, उही सब भला है। उस तो बाद दियां जिहड़ियां खेडां ने उह मानो कि साडे मन नूं पटकाउण वालियां ने। जे साडा किते इह विश्वास बढ़ जावे कि करण कारण प्रभ एक है, कि सब प्रकार जो साजो समान है क्रियावां हन उन्हां नूं पैदा करन वाला करण हार आप गुरु परमेशर है। क्योंकि एक गल नूं समझ लेना बड़ा जरूरी है कि अज असीं इह सोचदे हाँ कि जिहड़े साडे सतगुरु साहिब जी हन उह इक आम अध्यापक रूप दे विच उन्हां नूं आपां बयान करदे हाँ, जां आपां उन्हां नूं आख दिंदे हाँ कि उन्हां ने तुर फिर के प्रचार कीता, इत्थों तक आपां आख दिंदे हाँ, पर आपां गुरु नूं परमेशर रूप करके जिन्ना चिर नहीं जाणदे, जिन्ना चिर सानू इह पहचान नहीं आउंदी कि गुर परमेशर इको जाण, उन्ना चिर जिहड़ी असल खेड है, असल भावना है, उह साडी बण नहीं सकदी। इस लई सतगुरु साहिब जी का जो पावन शब्द गुरप्रसाद है कि जीवन की जिहड़ी सफलता है, जीवन का जिहड़ा मनुखा जीवन का जिहड़ा सफल होना है वह गुरु की कृपा दे विच पिया है। गुरु ऐसा विशाल है कि उस दा 18वां गुण है गुरु नाम दे विच लीन है। आपां जदों आद काल तो इतिहास पढ़ सुन के वेख, ये बच्ची नूं कहो कि जराबां ला के आया कर भाई, बाकी नाल दियां नूं भी कह दिओ। आपां जदों ये इतिहास पढ़ के वेखदे हां कि आद काल तो लै के जिन्ने भी ग्रंथ लिखे गए ने उन्हां दे अंदर एक जिक्र आउंदा है कि जिहड़े जिन्ने भी अवतार होए आ उन्हां ने किसी ने अपने नाल जोड़िया, जिवें हरनाक्ष ये आखदा सी कि मेरा नाम जपो,
पर सच्चे गुरु दी जेड़ी 18वीं निशानी ए है कि ए जेड़ा कलयुग है इस दे अंदर सब जेड़े सुख सहूलतां दे साधन सानू मौजूद हन। पावन बाणी दा उपदेश है, चारे जुगां दा जिक्र करदे होए सतगुरु साहिब जी बचन लिखदे हन, सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। कि इस कलयुग दे अंदर जीवां दा जे कोई आसरा है तां वो नाम है, क्योंकि ना साडे कोल इन्नी समर्था है कि असी बहुत वड्डे जेडे जग है, कोई बहुत वड्डे जेडे लंगर आ वो नहीं ला सकते, पर जेड़ा नाम है यही गुरमत दा मुख रूप दे अंदर सिद्धांत है। भावें कि चलो दुनिया दे तौर ते आख लैणा करो जां सतगुरु साहिब जी दी किरपा ही ऐसी है कि जदों भी समागम हुंदे ने आपां प्रशादा पाणी भी अपनी पेट दी भुख नूं मिटाउण दे लई खाने आं, पर असल दे अंदर जेड़ा गुरद्वारे दा असली मकसद है वो है कि आपां संगतां दे विच गुरबाणी दे नाल किवें जोड़ सकदे आं ते आपां संगतां नूं गुरबाणी दा उपदेश किवें बयान कर सकदे आं। होर जिहड़ा साडा लाया होया लखां रुपया है वह किसे कम्मे नहीं आउणा जे इह काम पिछे रह जावे। इसलिए गुरु घर के अंदर गुरमत का यह सिद्धांत है कि जेड़ा नाम है इस नूं जपिया जावे ताही किते जा के गुरु की जेड़ी किरपा है उस दे असी पात्र बन सकते हैं। ते पावन बाणी के अंदर सच्चे गुरु की निशानी यह लिखी हुई है कि नाम रत्ता सतगुरु है कलयुग बोहित होए। ये जेड़ा कलयुग है ये मानो समुंदर दे वांग है, ते कलयुग दे अंदर जहाज की है नाम, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ते नाल बचन लिखदे ने के गुरमुख होवे सो पार पवे, जिन्ना अंदर सच्चा सोए नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। सतगुरु साहिब जी ने सानू वाहेगुरु मंत्र दिता है, एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक मूल मंत्र दिता है। साडे लई ते सतगुरु साहिब जी ने जिहड़ा राह है वह बड़ा पदरा कर दिता। सानू कोई धूणियां तौण दे लई नहीं आखिया, सानू जाल तारे करन वाले पासे नहीं लाया, सानू पुठे लटकन वाल नहीं लाया। सानू आखिया कि भाई तुसी अपने संसारी काम धंदियां नू नभाउंदे होए जिम्मेवारियां नू पूरा करदियां होया जिहड़ा नाम है इस नू जपना करो। ते ए जिहड़ा नाम है इस दे नाल ही जदों जदों असी नाम नू जपदे हाँ तिवें तिवें साडे अंदर जिहड़ी गुरु की किरपा है वह वरतनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपां शायद ये गल सोचते हाँ कि ये जो कुछ दिस रहा है बस यही दुनिया है, एक सूक्ष्म दुनिया भी है, इस तो परे की खेड भी है जेड़ा सानू नाम जपन तो बाद सानू प्राप्त होवेगी। ते एक गल दा जिक्र एक गल दी विचार ये समझ लैनी बड़ी जरूरी है कि चाहे गल्ला करी जाओ चाहे जो मर्जी तुसी अपने शरीरक तौर ते कम कार करते हो,
पर जे किधरे तुहाडे कंठ दे अंदर नाम वस जावे, कंठ तो हिरदे दे विच जपना शुरू हो जावे, हिरदे तो नाभि दे अंदर नाम चल पवे, ते बाहरी जेड़ियां क्रियावां ने ओ कोई भी करी जाओ फिर फर्क नहीं पैंदा। इसलिए जेड़ा गुरु है ओ नाम दे विच रता होया है। एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं उन्हां दे माता तृप्ता जी ने आखिया कि पुत्र जी तुसी अठे पहर चादर तान के पए रहने हो, उस वाहिगुरु की बंदगी करते हो, आपां संसारी लोग हाँ, कोई काम धंधा भी करिया करो। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने अगों ये बचन माता जी नूं आखे कि आखा जीवा विसरे मर जाओ, कि ऐ माता जी मैं जिन्ना चिर वाहिगुरु का नाम आखदा हाँ मेरा जीवन ही उन्ना चिर है। आखण औखा साचा नाओ, इस कलयुग दे अंदर जेड़ा नाम नूं जपना है ये बड़ा औखा है। जिवें आपां कई वार ये गल्लां संसारी तौर ते सोच लैने हैं, जिवें दास नूं भी एक दिन कोई मनुख आखदा सी कि जेड़ा पाठ करना है नाम जपना है ये किते किन्ना कु औखा है। औखा तां है कि वट्टां पोचणियां खेती करनी ये ज़्यादा औखी है। दास ने जवाब दिता कि इत्थों दो गल्लां सानू समझनियां जरूरी ने, एक तां कि असीं गुरबाणी पढ़ना नाम जपना इस नूं नीवां चुका रहे हैं कि खेती करनी महान है ते नाम जपना नीवां काम है। दूसरी गल ये सामने उभर के आउंदी है कि जेड़ा धार्मिक बनना ये फजूल गल है, संसारी काम करने ज़्यादा वधिया ने। सतगुरु साहिब जी ने भावें सानू संसार दे नालों तोड़िया नहीं, पर असी ये जदों विचारा आखांगे कि पाठ करना केड़ा औखा है। इत्थे हुण एक गल सानू समझ लैनी बड़ी जरूरी है कि जेड़ा पाठ है ये भी दो तरह करके कीता जांदा है। एक पाठ वो हुंदा है कि जदों ये वेखिया जांदा है कि सामने की लिखिया है ते उस दा की उचारण है, किथे विश्राम लगना है, उस पाठ नूं पोला करना जां भारा करना, एक ए पाठ हुंदा है। दूसरा पाठ ए हुंदा कि आद पढ़िया मध पढ़िया विचों विचों दर्शन करिया, एक ए भी पाठ हुंदा कि पता ही ना लगना कि पाठ कदों शुरू कीता ते कदों भोग पा दिता। जिवें अपने भी इत्थे प्रबंधक कमेटी जेड़ी है हर महीने सहज पाठ प्रकाश कीता जांदा, पर वो पाठ नूं सुनदा ते एक जाना भी नहीं। ऐसा जेड़ा पाठ है वो सानू की फल देवेगा? पाठ जेड़ा है ये कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र मारिया ते सानू फलादेश मिल जाएगा। इसलिए असी गुरबाणी नू जिन्ना सत्कार असी समझ के विचार के देना सी उन्ना असी सिख दे नहीं पाए, ये साड़ी सब तो वड्डी त्रासदी है, साड़ा दुखांत है। असी श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे देणदार बन गए हैं कि असी सतगुरु साहिब जी दी पावन गुरबाणी नू सिर्फ रुमाले चढ़ाउण तक पाठ कराउण तक सीमित रख लिया है। गुरबाणी की आखदी है ये कदे विचारिया नहीं। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी आखण लगे कि माता जी आखा जीवा विसरे मर जाओ,
आखण औखा साचा नाओ। ते इस प्रकार जेड़ा नाम जपना है ये कोई सुखाला कर्म नहीं है। ते जदों असी ध्यान दे नाल नाम जपते हाँ ते विद्वान महापुरख एक गल आखदे आ कि जे सही तरीके दे नाल नाम जपिया जावे, एक घंटा नाम जपिया जावे ते चार घंटे कई चलाई जावे इको बराबर है। इन्ना जोर जेड़ा दिमाग दा शरीर दा वो लगदा है। जे वैसे बाहरी तौर ते समा पास करना होवे वो वक्री गल है, पर जे असी ध्यान ला के नाम जपांगे एक मिनट बैठना औखा हुंदा। तुसी कदे तजर्बा करके वेख लेना कि अपनियां अखां दे ऐन विचाले जेड़ी जगह है, जेड़े दो परवट्टे हन उन्हां दे विच दी जेड़ी जगह है उत्थे ध्यान कदे टका के वेखणा। साडा अद्धा मिनट बैठना सानू औखा हो जाएगा, असी पागल होण लग जावांगे। ये कोई नाम जपना, गुरबाणी पढ़नी, पाठ करना ये आसान बातां नहीं हन। जिवें एक बार किसी साधु महात्मा की घटना सुनाउंदे आ कि कोई साधु किसी कुटिया दे विच नाम जपिया करे, उस दे लागों हर रोज़ काम कार करन वाले जिहड़े दिहाड़ीए किसान वो जाया करन, ते वो हर रोज़ उस साधु नूं टिचर करके आखिया करन कि ये जिहड़ा साधु है ये वेला एवें नाम जपी जांदा है, कोई काम कार नहीं, असी सारा दिन खप जाने आ काम कार कर दे। उस साधु ने एक दिन विचार बनाई ते उन्हां अपने पास बुलाया ते आखण लगा कि तुहाड़ी दिहाड़ी किन्नी है। किसे ने आखिया मेरी 400 है, किसे ने आखिया 700 है। उस साधु आखण लगे कि तुसी कल तो इदा करना है कि तुसी इत्थे मेरी कुटिया दे विच आ के नाम जपना है, मैं तुहानू सबना नू दुगनी जिहड़ी दिहाड़ी है वह दिया करांगा, तुहानू वधिया प्रशादा पानी मिलेगा, सुख सहूलत मिलेगी, तुसी बस जेड़े 8-9 घंटे काम करदे हो वो 8-9 घंटे नाम जपना है। दिन एक बीतिया ते वह भज खड़े होए, आखण लगे कि यह तां बड़ा औखा काम है, काम करदिया होया असी ते हस भी लैने, खेड भी लैने, बैठ भी जाने, तुर भी पैने, पर यह जेड़ा एक जगह बैठ के नाम जपना और ध्यान लाना ये तो बड़ी औखी खेड है। सो इसलिए सतगुरु साहिब जी आखते ने आखण औखा साचा नाओ, कि जेड़ा सच्चा नाम आखना, नाम नू उचारण करना ये बड़ा औखा है। देखो दुनिया दे लोक वेले हुंदे भी वेले नहीं हो सकते। ओ किवें, जिवें आपां उदाहरण वजो लैने आ कि कोई मनुख ताश खेड़दा होवे, उस ताश खेड़दे नू तुसी जाके कोई कम आखो, वो तुहानू जवाब देवेगा कि मेरे कोल वेल नहीं है। भावें वह सारा दिन वेला बैठा ताश कुटी जांदा पर उसका भी जवाब यह हुंदा कि मेरे कोल समा नहीं। इसलिए भावें साडे कोल बहुत ज़्यादा समा भी होवे फिर भी बड़ा औखा है धर्म दी सिख्यावां दे उपर चलना, गुरबाणी पढ़नी और नाम जपना। जदों कोई वड्डे तो वड्डे समागम हुंदे आ, जेड़े वड्डे लोग हन वह तुहानू पैसा दे देणगे, 50,000 लख 2 लख आखणगे कि साडी सेवा ला दिओ। कोई आखेगा कि मैं फुल चढ़ाउण दी सेवा कर दिन्ना हाँ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਏ ਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਐ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਈਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਹਾਓ ਵਿਚਾਰ 18ਵਾਂ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 19ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਕੋ ਦੀਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਹਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਹਰ ਦੀਨੋ ਨਾਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਤਨ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣ ਹਾਰ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਭਲਾ ਨਾਹੀਂ ਪੰਚੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਗੁਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ,
जित मिले हर नाम मैं जाता। ऐसे गुरा तो आखदे ने मैं वारने बलिहारने जाना हाँ, जिन्ना ने सानू सच्चे नाम दा दान दिता है, उस नाम दे सदका ही असी अपना जिहड़ा जीवन है इस नू सफला कर सकते हैं। सो दास आप गुरु कीआं संगतां नू बेनती करे कि जदों समाप्ति तो बाद गुरसिख नाम जपाउंदे आ उस नू कोई बद्धा चट्टी रूप दे अंदर ना जपिया करिए, बड़ी उच्ची आवाज दे अंदर केसो केसो कूकीऐ ना सोईऐ असार, रात दिवस के कूकने कंबहु के सुनै पुकार। नाम जपण दा पहला जिहड़ा तरीका है वह है कूक के नाम जपना, जिवें आपां आखदे आ कि उहनूं कूक मार। यही जिहड़े बचन ने भगत कबीर साहिब जी ने लिखे है कि केसो केसो कूकी है, कि वह जिहड़ा वाहिगुरु जिहड़ा केसा धारी है उस दा नाम उच्ची बोल के जपना करिए, ते सारे जाने नाम जप के आपा हाजरी लवाया करिए। ए गाहे अवगाहे जेड़ा जपिया होया नाम है ए साडा पार उतारा कर देवेगा। इस जपे हुए थोड़े समय दा जेड़ा नाम है ए सानू बहुता फल देण वाला है, जिवें आपा उदाहरण वजो सारे जानते हैं कि दुध भावें बहुत ज़्यादा होवे पर उस दे अंदर थोड़ी जी जाग लाउण दे नाल भी थोड़ा जिहा खट्टा लाउण दे नाल वो दही जम पैंदा। उसे प्रकार साढ़े भावें बहुत ज़्यादा पाप ने, जन्मां जन्मांतरां दे साढ़े पाप कट्ठे कीते हुए आ, पर थोड़े जे नाम जपे दे नाल साढ़े करोड़ा पाप कट्टे जावणगे। दूसरी आपां उदाहरण जानदे आ कि भावें जंगलां दीआं जंगलां लकड़ां भरियां होण, एक अग दी चुवंती दे नाल जंगलां दे जंगल सड़ के सवाह हो सकदे आ। उसे प्रकार ही साडा ये मनुखा जन्म सफला होण दे लई जेड़ा नाम है वो अग्नि दी चुवंती दा काम करता है। सतगुरु साहिब जी साडे सभना दे उपर दयालता करन और आपां पावन गुरबाणी नू सिर्फ बाहरी तौर ते पूजना समझना छड करके इस दे जेड़े अंतरीव भाव हन उन्हां दे उपर गौर करिए। आपां इस गल नू मन दे अंदर दृढ़ कर लैणा करिए कि साडियां संसारी तौर ते जेड़ियां चतुराइयां ने, संसारी तौर ते जेड़ियां सियाणपां ने, उन्हां नू करदे होए असी कई वार जम्मे आ ते कई वार मर मुक गए आ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕਰਕੇ
सही रूप दे अंदर जेड़ा नाम जपना गुरबाणी पढ़ करके अपना लोक सुखिया परलोक सुहेला बनाउणा करिए, इस दे नाल ही साढ़े जीवन दे सफलता हो सकती है। विचारा करदियां तो होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शना जी, रहिंदी होई विचार कल दे दिन विचारन दा जतन करांगे। फतेह बुला करके अरदास विच जुड़ना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।